सो हे एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज स्पॉन्डलिंग प्रिंसिपल. ठीक है, स्पॉन्डलिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? स्पॉन्डलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है, वो बोलता है कि द नेचर ऑफ डिसइन्फेक्शन कुड बी अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल इन्फेक्शन. ठीक है, तो देखो आगे उसने बोला कि स्पॉन्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेसेस, सर्फेसेस की क्लासिफिकेशन दी जा तो सर्फेस क्रिटिकल होगा. क्रिटिकल मतलब ऑब्जेक्ट विच अंडर्स विच एंटर्स ट्रायल टिश्यू और द वेस्कुलर सिस्टम आर रिक्वायर्ड स्टरलाइजेशन. ठीक है, क्रिटिकल जितने भी क्रिटिकल चीज़ें हैं, जैसे कि कोई टिश्यू पड़ा है, डैमेज टिश्यू पड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? दैट इज़ स्टरलाइजेशन. क्लियर है? आगे हमारे पास है सेमी क्रिटिकल. सेमी क्रिटिकल मतलब इन बिटवीन क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट कॉन्टैक्ट विद इन म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आते हैं रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ डिसइन्फेक्शन. इनको क्या है? हाई लेवल ऑफ डिसइन्फेक्शन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या है, जो बैक्टीरियल स्पोर्स है वो किल हो जाएंगे. क्लियर है? आगे हमारे पास आता है नॉन क्रिटिकल. नॉन क्रिटिकल मतलब कि ऐसे जिनको ज़्यादा डिसइन्फेक्शन स्टरलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ऑब्जेक्ट दैट कॉन्टैक्ट इंटैक्ट स्किन, ठीक है, बट नॉट म्यूकस मेम्ब्रेन आर रिक्वायर्ड लो लेवल ऑफ डिसइन्फेक्शन. क्लियर है? तो जो स्पॉन्डलिंग है उसने तीन क्लासिफिकेशन दी थी, दैट इज़ क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल. ठीक है, क्रिटिकल में तो हमें स्टरलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सेमी क्रिटिकल में क्या आ जाएगा कि हमें हाई लेवल डिसइन्फेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि दैट ऑब्जेक्ट्स आर कम अंडर विद म्यूकस मेम्ब्रेन. और नॉन क्रिटिकल के अंदर क्या आ जाएगा? लो लेवल डिसइन्फेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये था हमारा स्पॉन्डलिंग प्रिंसिपल. आई होप यू अंडरस्टैंड.